अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ तमाम बहनें ठीक ठाक होंगी। और एज़ पर नाश्ता जो है ना, मेरा आज की रूटीन स्टार्ट हो गई है। और आज मैं नाश्ते में ले रही हूँ डाइट के लिए एक ब्राउन ब्रेड, साथ में एक फ्राई एग, और साथ में जो है ना वो गुड़ वाली जो चाय मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताई थी वो वाली चाय। ठीक है, आप वो वाली ले सकते हैं क्योंकि मैं भी पीती रहती हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा ये पी है। लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि चाय नहीं अच्छी या चाय से जो है ना वो वेट गेन होता है। अगर आप चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो वो किसी भी फॉर्म में आप अगर किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो उससे वेट बढ़ता है। तो नाश्ते की तैयारी, और आज आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हर सालों की तरह ये साल भी अगले आने वाले हर सालों के साथ हमारे लिए बहुत अच्छा करे। थोड़ी सी जो है ना वो डेकोरेशन आप देख लें यहाँ पे नाश्ता वगैरह करने के बाद। अभी सारे काम पड़े हुए हैं और मैंने सबसे पहले जो है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत चश्का वगैरह लगाया क्योंकि वो एक वाइब नहीं आ रही थी ना 14 अगस्त वाली। और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी बेटी के सारे सेटअप और इसका लुक किस तरीके से था। मैंने कोई भी तैयारी नहीं की थी, बस एक मैंने लुक क्रिएट किया था और 14 अगस्त का मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया था। उसकी भी आपके साथ मैं पिक्चर फ़िलहाल नहीं शेयर कर सकती हूँ। सो ये इसने बैग लिया था साथ में, इसने पूरा सेटअप जो है ना अपना इस तरीके से अपने मर्ज़ी से किया था जैसे इसको पसंद है। और अच्छा, ईद पे तो फिर भी माएँ तैयार हो जाती हैं, 14 अगस्त वाले दिन तो माएँ बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। कमरे में इतना मेस था ना, मैं आपको नहीं बता सकती इस टाइम पर। और मैं आपको उस्मान के भी कपड़े दिखा देती हूँ, उसके न्यू शूज़ मैंने बाय किए थे, इसको मैंने वो पहनाए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह बोल दीजिएगा। इसको बहुत मुश्किल से कैमरे के सामने मैं खड़ा करती हूँ, बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। अच्छा, उस्मान काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो तंग कर रहा था मुझे कि मुझे नूडल्स खाने। नाश्ता किया था बच्चों ने सही पेट भर के, लेकिन शायद खुशी में जो है ना इनको समझ नहीं आ रहा था, हो सकता है कम किया हो। तो मैं जाके इसके लिए नूडल्स बना रही हूँ और आप लोग के साथ जो इम्पोर्टेंट बात शेयर करनी है वो भी इस टाइम पर शेयर कर लूँगी कि हमारा वेट लॉस जो है ना प्रोसेस क्यों नहीं होता। एक ही रीज़न है, एक ही चीज़ है जिसकी वजह से हमारा जो है ना वज़न कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो है जनाब लोगों की बातें। ठीक है, जब मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था ना तो इतने 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 बैड कमेंट्स आए थे स्टार्ट में। तो सब कह रहे थे, अक्सर इस तरह होता है ना कि आप पूरी ज़िंदगी एक जैसे नहीं गुजार सकते ना। तो मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा बार पहले भी मैंने जो है ना कोशिशें की, जिस तरह हर जो है ना लड़की या हर औरत इस चीज़ पर एग्री करेगी कि वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे 15-20 दिन हो जाएं, 8 दिन हो जाएं, 7 दिन हो जाएं, डाइट जो है ना वो ज़रूर करते हैं। तो मैं भी इस तरह करती थी डाइट। जब मैंने प्रॉपरली अपना माइंड सेट बनाया, ख़ुद को मोटिवेट किया, ख़ुद को समझाया, तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो सारे बैड कमेंट्स आना शुरू हो गए। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, टीवी में जो कुछ भी दिखाते हैं वो झूठ है, ये काम कभी भी नहीं मुमकिन, फ़लाँ फ़लाँ, बहुत अजीब अजीब सी बातें सुनने को मिलती थी। और 3-4 मतलब स्टार्ट में ही जो है ना मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। इसीलिए जो है ना वो मैं ज़्यादा रोती थी क्योंकि मैं सोचती थी अगर इनकी कही हुई बात सच निकल आई और मेरा वेट लॉस ना हुआ, मतलब ख़ुद से यकीन उठ जाना। इन बातों पर आप लोगों ने भी तवज्जो नहीं देनी। मैंने फिर एकदम से ख़ुद को समझाया और इन बातों पर मैंने तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा ये सारी फजूल बातें हैं, कोई भी नहीं चाहता कि आप किसी चीज़ में सक्सेस हासिल करें या आप कोई भी चीज़ जो है ना आप कामयाबी की तरफ लेके जाए, एक्सेप्ट आपके अपने आप के और अल्लाह ताला के। अगर आपने इन दो चीज़ों को कन्वर्ट कर लिया, अपने दिल में बिठा दिया कि अल्लाह ताला है और आप हैं अपने लिए,
तो फिर आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होगा। सो इसी तरह खुशी खुशी से जो है ना मैंने अपना टाइम शुरू किया और खुशी खुशी से लोगों की बातों को यहाँ से इग्नोर वहाँ से इग्नोर मारा और आज माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अपने बहुत आइडियल वेट पर हूँ। अब इतने सारी लड़कियाँ मुझसे पूछेंगी अपना वज़न तो आप बताती नहीं हैं, आप सामने आती नहीं हैं, हमें कैसे पता लगेगा? भाई आप लोगों को पता लग जाएगा, स्लोली स्लोली पता लगेगा। एक दम में जो है ना आपको कोई चीज़ में सिर्फ आपसे आप लोग की हेल्प करने के लिए इस चैनल को मैंने बनाया है और मुझे उम्मीद है बहुत सारी बहनें जो घर बैठी हुई होती हैं मेरी तरह, हम लोग बहुत ज़्यादा मैं जो है ना पर्दे वाली हूँ तो मुझे बाहर जाना विदाउट अबाया विदाउट निकाब, मैं कभी घर से बाहर भी नहीं निकली। लेकिन मैंने ये चैनल सिर्फ इसलिए बनाया कि जिस तरह मैं एक आम लड़की अपने लिए कुछ कर सकती हूँ अपने लिए, तो आप लोग भी कर सकती हैं। और इस वीडियो के थ्रू आप लोगों ने इंशाल्लाह अपने टारगेट सारे अचीव करने हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से बहुत अच्छी उम्मीद है। बस आप लोग मेरे साथ रहिए, हम लोग मिलकर जो है ना ये अच्छी सी ज़िंदगी का शुरुआत अच्छे तरीके से गुजारेंगे। और जो मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोग के साथ डाइट शेयर की है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, वो बहुत बेस्ट है। उसने मुझे इतना ऊंचे लेवल पे पहुंचाया था कि मेरी सोच लाइक मेरे कपड़े मुझे 3 इंच लूज़ हुए थे। अब 3 इंच सोचें कितना ज़्यादा होता है। अब एक बंदे का 7 दिन के अंदर जब 3 इंच लॉस हो जाए तो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की क्या खबर है। और बग़ैर जिम गए कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो वर्कआउट भी नहीं, थोड़ी बहुत स्किपिंग मैंने की थी और स्किपिंग की जो है ना डिटेल वो मैं आपको किसी और व्लॉग में बताऊंगी कि आप घर रहकर जो थोड़े बहुत जो मॉडरेट स्टाइल के जो कार्डियो वर्कआउट्स होते हैं इस तरह कुछ भी आप करें, बट मैंने वो इतनी ज़्यादा नहीं की, इसीलिए जो है ना मैंने उस व्लॉग में ये बात मेंशन नहीं की थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ डाइट प्लान शेयर की थी। ज़रूर जाके देखिएगा जो जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, जिन बहनों की भी जल्दी जल्दी शादियाँ आ रही हैं फैमिली में वो जाएँ उस डाइट को फॉलो करें, मुझे कॉमेंट में बताएँ। कम से कम 6 kg तो आपका लॉस हो गई होगा, ये मैं कम से कम की बात कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खुद जान सकते हैं। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। डाइट प्लान ऐसे कि आप लोग तंग हो जाएंगे लेकिन इंशाल्लाह 7 दिन है तो आप पूरा कर ज़रूर कीजिएगा। ये जो है ना थोड़ी बहुत जो मेरी फैमिली की ग्रोसरी शॉपिंग मैंने की थी, मतलब इसी तरह से होती है तो अभी टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रही है लेकिन मतलब इससे कम ही चीज़ें होती हैं, तो ये जो है ना जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये जो वॉशिंग लिक्विड है और मैं जो है ना ग्लास क्लीनर ये वाला यूज़ करती हूँ अपने ड्रेसिंग के लिए, ये बहुत बेस्ट है। अब एक तकरीबन मेरा एंड होने वाला है तो मैंने पहले से ही जो है ना वो दूसरा स्टॉक में रख लिया। बाई चांस अगर आप कहीं जाएँ ना, अगर आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएँ तो बहुत अच्छा हो जाता है। हैंड वॉश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे ना सॉप्स नहीं पसंद, हालांकि इनके बाबा जो है ना वो सॉप पे ज़्यादा जाते हैं लेकिन मुझे हैंड वॉश ज़्यादा पसंद है तो मैं स्टॉक में रख लेती हूँ। अच्छा हैंड वॉश मैं ऐसे नहीं करती कि कोई भी मतलब बड़ा महंगा सा हो, बस जो भी मिल जाए। तो ये मैंने 2 ले लिए थे, एक पर्पल कलर का और एक ब्राउन कलर का। ये मैगी नूडल्स ये मैंने अभी खोल दिए क्योंकि उस्मान मांग रहा था, मैंने कहा जल्दी से वीडियो बना लूँ, इनके लिए जो है ना जगह नहीं थी। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला कैबिनेट मैंने अभी खाली किया, ये सारा इसमें जो है ना मैं इनकी सारी जगह बनाऊंगी, काफ़ी बड़ा है तो ये सारी चीज़ें ना इजीली वहाँ पे आ जाएंगी, कभी कहाँ होती हैं कभी कहाँ समझ नहीं आता। ये टिफिन लिया था उस्मान ने, ये जो है ना मैं ग्लास क्लीनर यूज़ करती हूँ तो उसके लिए मैंने कहा इसको ट्राई करूँगी, बहुत बार देखा है मैंने, ये मिनी सा वाइपर है ग्लास के लिए, ठीक है। और ये फुट स्क्रबर, ये टूथब्रश हैं टूथपेस्ट हैं, ये तो जो है ना हर घर में होते हैं। ये डबल वाला मैंने लिया था, बाकी यूज़ हो रहे हैं मैंने स्टॉक में रखे हैं। अच्छा ग्रीन टी ये वाली, बार बार उस्मान आके डिस्टर्ब कर रहा है, ये वाली भी जो है ना मैं ग्रीन टी पीती हूँ। इस बिस्मिल्लाह, अच्छा ये स्लिम स्मार्ट इस पर लिखा हुआ है, ये जो है ना बस थोड़ा सा हाजमा दुरुस्त कर लेती है, अच्छी है। इससे आप लोग ये पियेंगे, ये ना बोलें ये पी पी के आप लोगों ने वजन कम करने से वो नहीं होता, बस अगर आपने कोई हैवी चीज खा ली है तो उसके ऊपर आप ये वाली ग्रीन टी पी सकते हैं, क्योंकि ये मैं यूज करती रहती हूँ तो मुझे पता है अच्छी है। और ये मैंने कंटेनर लिया था, बहुत बार ना मेरे ड्राई फ्रूट्स में कीड़ियाँ हो जाती हैं तो ये एयर टाइट है तो इसमें नहीं होंगी। चिया सीड्स आपको दिखाए थे लास्ट वीडियो में, ये जो है ना अच्छा ये वाला स्प्रे मैं आपको बताती हूँ, कॉटन के कपड़े जो है ना इनके बाबा बहुत ज्यादा वो करते हैं,
आयरन पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो ये वाला मैंने लिया। अच्छा एक दो तीन पहले भी यूज़ किए लेकिन ये सबसे अच्छा है, इसलिए मैंने एक और भी लिया, दो लिए। मेरे हाथों की हालत इतनी ख़राब है ना, प्लीज़ इस पर मत जाइएगा। ये मैंने रायता लिया, पुदीना रायता, और मैं ना सादा दही नहीं खा सकती, पता नहीं क्यों मुझे प्रॉब्लम है। ज़ीरा रायता मैं बिल्कुल, मैंने बचपन से नहीं खाया। साथ में एरियल सरफ दो हैं, एक बोरा कोने में रखा हुआ है क्योंकि वो ओपन किया हुआ है, और बस यही चीज़ें चाहिए। शैम्पू मैंने लिया था, किसी ने यूज़ किया हो तो मुझे बता दें, फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी। और साथ डेटॉल, साथ में ये बस सारी यही चीज़ें थी। इनको जो है ना मैं जल्दी से इनकी जगह पे रखूँगी, बाकी ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ये मैंने ली थी ज्वेलरी के लिए, और ज्वेलरी का कलेक्शन, ज्वेलरी की कलेक्शन आप लोगों के साथ किसी दिन शेयर करूँगी। और उसको जो है ना मैं इस तरह के पाइपिन बैग छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये 160 का मुझे पूरा पैक मिल गया था, तो मैंने फिर दो लिए, ठीक है। और इसमें बड़ी अच्छी से जो है ना वो सेफ रहती, काली नहीं होती। चले जी, मैं तो बाहर किचन में चली गई थी, उसके बाद मुझे नहीं पता कि किस वक्त मेरी बेटी आई है। वो सारी ये सेटअप कर रही थी, उसे पता था मम्मा का बहुत सारा काम है, हालांकि मैंने उसे जल्दी से रेडी कर लिया था। छोटी सी है लेकिन माशाल्लाह मेरे सारे कामों में मदद करती है, बेटियां माशाल्लाह होती हैं, इतनी प्यारी हैं। तो अच्छा जी, अब मैं एंड करूँगी ब्लॉग को, और उम्मीद करती हूँ आपने इस ब्लॉग से कुछ ना कुछ बात, कोई ना कोई बात अपने लिए सीखी होगी। खुद से प्यार करें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ठीक है जनाब, अगले ब्लॉग में मिलेंगे। इसने तकरीबन सेटिंग कर ली थी, और ये इतने अच्छे तरीके से सेट करी है कि ये वीडियो मैंने अभी देखी है वॉइस ओवर करते वक्त कि क्या कर रही है यहाँ पर। और मुझे भरपूर दुआ में याद रखा कीजिए, मैं भी आपको भरपूर दुआ में याद रखूँगी। हमारी जर्नी इंशाल्लाह साथ रहेगी। अल्लाह हाफिज़, भरपूर ख्याल रखिए अपना।